हाय फ्रेंड्स, मैं हूं केशव कुमार साहू और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरी बजाज चेतक 99। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरा वीडियो जल्दी से देख पाएँ। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको किसी टॉपिक में वीडियो बना के दूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरा इंस्टा आईडी है बजाज चेतक 99, आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उस मैसेज का रिप्लाई दूंगा, प्लस उस टॉपिक में आपको वीडियो बना के भी दूंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत दिन से एक कॉमन जो है मैसेज बोलिए या कमेंट ये आ रहे थे कि जो हमारी स्कूटर की जो साउंड बहुत तेज़ है तो उसको हम कैसे सेट करें, और कुछ लोग कैसे हैं कि वो मतलब आवाज़ से परेशान है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि एकदम गाड़ी बार बार बंद होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपके स्कूटर में जो एयर मिक्सचर होते हैं और एक होते हैं जो है आरपीएम स्क्रू, तो दोनों का अलग अलग रोल है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज उसके बारे में आपको मैं डिटेल मैं मतलब बताने वाला हूँ कि कैसे आपको सेट करना है और कैसे इसको इसके जो साउंड है उसको एकदम स्मूथ रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं उसको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको फ्रेंड्स ये जो साइड पैनल है, ठीक है, तो ये साइड पैनल आपको ओपन करना होगा, और जल्दी से इसको ओपन करता हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि उसको कैसे सेट कर। मैं अपने स्कूटर का जो साइड पैनल है वो रिमूव किया हूँ, हटा दिया हूँ। अब आपको फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप अपने स्कूटर का जो आरपीएम सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये है, ठीक है। तो इसको मैं अभी ओपन करूँगा, ठीक है। आप चाहते हैं तो इसको बिना ओपन करे भी इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इसको ओपन करके भी दिखाऊँगा आपको। तो ये आपका आरपीएम स्क्रू, इससे होता क्या ये बताऊँगा, और एक पीछे साइड ये होते हैं यहाँ पर, ये आपको एक कैप दिख रहा होगा, इसको मैं रिमूव करके दिखाऊंगा। तो इस कैप के पास होते हैं जो आपका एयर मिक्सचर है। तो ये दोनों का मैं आपको अच्छे से बताऊंगा डिटेल में। तो जल्दी से मैं इसको ओपन करता हूँ ये कैप को, और ये देखिए ये जो स्क्रू है, तो ये दो प्रकार के हैं, आप देख रहे होंगे। ये स्क्रू ड्राइवर से भी खुल जाएंगे और एक इसके अलग से जो पाना आते हैं उससे भी खुल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी से मैं इसको ओपन करता हूँ, और उसके लिए आपको ऐसा कुछ भी स्क्रू ड्राइवर है तो आराम से आप खोल सकते हैं। तो जल्दी से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसका जो कैप होता है इसको मैं रिमूव किया हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक यहाँ पर एक रबर होता है, ये देखिए ऐसा रबर होता है, ठीक है। तो अभी आपको ये दिख रहा होगा जो सेंटर वाला जो नट है, ये आरपीएम स्क्रू है, ठीक है। कभी भी आपको सेट करना है तो इसको करना, ये जो साइड का जो देख रहे हैं इससे जो है आपकी जो एयर फिल्टर है वो बाहर आएगी। तो मैं एयर फिल्टर भी हटाता हूँ, उसके बाद फिर आपको अच्छे से और डिटेल में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मैं जैसे आपको बता रहा था ना आरपीएम स्क्रू, तो ये है जो आरपीएम स्क्रू का जो मैं बात कर रहा था। तो फ्रेंड्स आरपीएम स्क्रू कोई कुछ है नहीं, ये एक प्रकार का मैं आपको बताऊँ, जैसे हम गाड़ी के एक्सीलरेट करते हैं ना, जैसे हम एक्सीलरेट करते हैं तो ये जो आप अंदर में जो कैप दिख रहे हैं ना, ये रिमूव होता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि जैसे हम अपने गाड़ी को एक्सीलरेट करेंगे तो कैसे रिमूव होता है। तो जैसे हम अपने गाड़ी को एक्सीलरेट करेंगे ना, तो देखिएगा वो कैप रिमूव होता है, ये देखिए, ठीक है। तो जैसे हम ये कर रहे हैं तो देख रहे होंगे आप, इसका जो माउथ है ओपन हो रहा है, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे हल्का खुला है। तो फ्रेंड्स ये स्क्रू को अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब जैसे हम स्क्रू को टाइट करते हैं ना उस टाइप उस डायरेक्शन में अगर इसको टाइट करेंगे, घुमाएंगे, तो ये जो है इसका जो माउथ है वो ओपन होता है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी आप देखिएगा, आप वहाँ भी ध्यान दीजिएगा ना अंदर में, ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि उसका जो गैप है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। अभी मैं इसको टाइट किया हूँ, अब इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, ये देखिएगा, ठीक है। अब आप उधर देखिए, धीरे धीरे उसका जो गैप है वो बंद होते जा रहा है, ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये इतने में मतलब आके ये देखिए अब ये नॉर्मल हो गया, अब वो कुछ नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स यही होता है जो मतलब हम इसको ऐसा सेट करते हैं ताकि जो हमारी गाड़ी की जो आवाज़ है वो कम रहे, और ऐसा है कि जैसे हम न्यूट्रल पोजीशन में अगर आप अपने गाड़ी को खड़ा करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 सेकंड तक वो ऑन रहे, फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाए, तो इसको ऐसे सेट करना होता है, ठीक है। और इसमें कुछ वो नहीं है,
इसका मतलब यही है, एक प्रकार का जो आपकी गाड़ी के जो एक्सीलेटर वाले जो है ना, वही वही है, एक प्रकार का वही है ये, दूसरा कुछ है नहीं, ठीक है। तो अगर आपके स्कूटर की जो रेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है आपकी गाड़ी न्यूट्रल पोजिशन में, तो आपको इसको सेट करना है, ठीक है, इसको सेट करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एयर मिक्सचर, ये देखिए नीचे दिख रहा होगा, ये अंदर में जो दिख रहा है ना ये वाला, तो ये है एयर मिक्सचर, ठीक है फ्रेंड्स। और एयर मिक्सचर का काम क्या है, तो चलिए मैं इसको आपको पीछे से भी दिखाता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स ये देखिए जो स्क्रू है, ये वाला जो आप स्क्रू देख रहे हैं ना जिसमें स्प्रिंग लगा हुआ, ये वाला, और ये देखिए यहाँ पर से। तो ये फ्रेंड्स इसका काम ये है कि आपकी जो गाड़ी में जो एयर का जो, जैसे आपको मालूम होगा जो हमारी स्कूटर है चाहे कोई से भी गाड़ी हो, उसमें पेट्रोल और एयर का मिक्सर जाता है, ठीक है। तो जो एयर, देखो पेट्रोल को तो फिक्स है, जैसे मैं हर वीडियो में बताया पेट्रोल जो फिक्स अमाउंट में जाता है, ठीक है, लेकिन हमको एयर मिक्सर को सेट करना होता है। एयर मिक्सर को हमको ऐसे सेट करना है फ्रेंड्स कि आपकी जो मतलब एवरेज है और जो साउंड है वो एकदम परफेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको स्कूटर ऑन करके दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि हम कैसे इसको सेट करें, ठीक है, कैसे इसका आवाज़ वो कर सकते हैं, और इसके बारे में भी बताऊंगा। बहुत लोग का ये मैसेज आया था कि भैया हम नहीं समझ पाते हैं कि आप कितना चूड़ी खोलने बोलते हैं, कैसे खोलते हैं, तो इसके बारे में भी आज आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी मेरे स्कूटर की जो आवाज़ बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा रेस में, देखिए अब इसको आपको कम कैसे करना है। देखिए इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा, अब मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा, ठीक है, अब मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा और फिर आप देखिएगा मेरे स्कूटर की जो रेस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, ठीक है। आप देखिएगा मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा और स्कूटर की जो आवाज़ बढ़ने लगेगी। तो फ्रेंड्स इसका जो खेल है ना आपकी गाड़ी के जो साउंड का ही है पूरा, ठीक है। अगर आपकी स्कूटर न्यूट्रल पोजीशन में अगर ज़्यादा साउंड कर रही है, ज़्यादा आवाज़ कर रही है, तो आप इसके थ्रू सेट कर सकते हैं। और चलिए मैं थोड़ा आपको एयर मिक्सर के बारे में बताता हूँ उसको कैसे सेट करना है। तो इसमें आपको दिक्कत होगा, तो एक मेरे पास और जो इसका पुराना कार्बोरेटर है उसके थ्रू मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि उसको कैसे सेट करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरा बजाज चेतक का जो ओरिजिनल कार्बोरेटर है, जेटएक्स का ये है। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा, ये जो आप एयर मिक्सर स्क्रू देख रहे हैं ना, ये देखिए ये आपके स्कूटर में ऐसे फिट होते हैं, और ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, जो अंदर में जो स्क्रू होते हैं, ठीक है, ये देखिए अंदर वाला, तो ये वही स्क्रू है। तो फ्रेंड्स इसको करना क्या है, ठीक है, तो उसके लिए आपको इस टाइप का पेचकस चाहिए, और ये देखिए मैं आपको टेप कैसे मार रहा हूँ आपको दिखाता हूँ ये, ताकि आपको वन रोटेशन पता चल सके। जैसे ये यहाँ पर है ना, ठीक है, तो मैं इसको ऐसा रोटेट करके ये दोबारा सेम पोजीशन में लाऊंगा, तो ये वन हुआ, मतलब वन रोटेशन हुआ, कंप्लीट हुआ। तो वैसे ही आपको ये करना है। तो फ्रेंड्स पहले आपको करना क्या है, इसको पूरा टाइट कर देना है, ठीक है। तो इसको टाइट कैसे करना है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो इसको कंप्लीट आपको टाइट करना है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको कंप्लीट मैं टाइट किया हूँ, ठीक है, ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ, देखिएगा ना ये थोड़ा हिल रहा है, तो फ्रेंड्स इसको पूरा टाइट करने के बाद आपको करना क्या है, इसको एक चूड़ी बस खोलना है, ठीक है, इसको एक चूड़ी खोलना है, ठीक है, और मैं आपको एक चूड़ी खोल के दिखाता हूँ। तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, देखिएगा एक चूड़ी कैसे खोलते हैं इसमें, ठीक है, ये देखिए इसका जो पोजीशन है ऊपर में है, तो इसको आपको पूरा फुल टाइट करना है, ये देखिए पूरा टाइट है। अब इसको एक चूड़ी खोलना है, ये देखिए ये रोटेट हुआ और ये आया यहाँ, ठीक है, एक चूड़ी ओपन हुआ। अब आपको फ्रेंड्स करना क्या है, जो ये आपका जो आरपीएम स्क्रू है ये वाला, जैसे मैं आपको बताया था इसको, तो इसको आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है अपने गाड़ी को, इतना बढ़ाना है ताकि आपकी गाड़ी बंद ना हो, ठीक है। एक चूड़ी ओपन किए, उसके बाद आपको अपने स्कूटर को स्टार्ट करना है, और किसी एक हेल्प ले सकते हैं, जैसे एक भाई है मेरा, ये तो यहाँ पर आया तो मैं उसको थोड़ा हेल्प ले रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, जब
ऐसा करेंगे तो एक किसी का हेल्प लेना है और आप अपने स्कूटर को थोड़ा रेस देते रहेंगे जिससे आपकी गाड़ी बंद ना हो, ठीक है। उसके बाद इसको फ्रेंड्स धीरे 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 करके, जैसे अभी मैं इसको एक चूड़ी ओपन किया हूँ, ठीक है। अब इसको करना क्या है मैं फिर यहाँ आपको दिखा रहा हूँ ना, अच्छे से देखिएगा आप, ठीक है। ये देखिए, ये मैं एक रोटेट करके ये आया यहाँ पर, दो चूड़ी खुला, ठीक है। अब इसको हाफ़ करना है। हाफ़ कैसे करेंगे इसमें आप ध्यान दीजिएगा ना, यह हाफ़ करना है। तो ये फ्रेंड्स ये देखिए, ये हाफ़ हो गया, ठीक है। तो वैसे आपको दो ढाई तीन चूड़ी सब स्कूटर में अलग अलग होते हैं, जिस कार्बोरेटर के सेटिंग के ऊपर होता है कि कितना चूड़ी ओपन करना है। और मैं आपको बताता हूँ, चलिए एक बार स्कूटर स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे कंडीशन में आपको इसको सेट करके रखना है। फ्रेंड्स आपको अपने स्कूटर को ऐसे रखना है, देखिए मैं एक्सीलरेट करूँगा। तो फ्रेंड्स अपने स्कूटर को ऐसे मतलब सेट करिए, जैसे अभी आप देखोगे जैसे मैं एक्सीलरेट कर रहा हूँ ना, तो गाड़ी फट से उठा रही है। जैसे आप रेस करेंगे तो गाड़ी की जो साउंड है, जो आवाज़ है, फट से उठानी चाहिए। अगर वो बूझने बूझने कर रही है ना, तो आपको उसी को सेट करना है, उसको सेट करना है। फिर आपको एक्सीलरेट करके देखना है कि आपकी गाड़ी सही उठा रही है कि नहीं उठा रही है। फिर वहाँ पर को धीरे से मतलब जैसे जैसे सेट करेंगे ना, आपको इसको बीच बीच में देखते रहिएगा, तब जाके सेट होगा। क्योंकि हर स्कूटर में अलग अलग जो कार्बोरेटर है उसके सेटिंग होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जैसे मैं आपको बोला ढाई चूड़ी खोलना है तो मेरे ही जैसे नहीं है, तो आपका भी स्कूटर का जो कार्बोरेटर होगा उसका कंडीशन अलग होगा, सेटिंग अलग होगा। तो आपको इसी पे ध्यान देना है, इसको धीरे धीरे एक्सीलरेट करके देखना है कि आपकी गाड़ी उठा रही है कि नहीं। अगर नहीं उठा रही है तो उसको सेट करना है, और सही अगर उठाने लगी फिर आपको लास्ट में क्या करना है, इसको फिर सेट करना है। वो सेट हो जाएगा ना, उसके बाद आपको इसको सेट करना है। फ्रेंड्स आप देखेंगे जो आपकी स्कूटर की साउंड है, एवरेज है, सब सही हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।